नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ क्या आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी रहेंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे जी, पूरे देश से हटे जी, और हम लोग तो समाजवादी हैं जी, अखिलेश जी हमारे नेता हैं जी, हैं? और फिर जो पार्टी का आदेश होगा उसका मुझे पालन करना। कांग्रेस की तरफ खड़े रहेंगे मान लें? नहीं, देखिए हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे और हमारा जो भी नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी सत्ता हटाने के लिए जो भी फैसला लेंगे वो उस पर आप रहेंगे। हम ये जो स्वामी प्रसाद मौर्या जी का बयान आया, क्या उससे आपकी पार्टी इत्तफाक रखती है? देखिए, हम लोगों ने बोल दिया है, हमने भी बोल दिया, अखिलेश ने भी बोल दिया, पूरी पार्टी के नेताओं ने बोल दिया है। देखिए, हम लोग इससे धार्मिक और सांप्रदायिक इनसे दूर रहना, और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चाहती है कि ये मामला उठे, और हम लोग बोल भी चुके हैं। हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, कृष्ण के हम लोग तो वंशज के हैं, और वंशज के साथ साथ उनका उनको भी मानते हैं जी। इसके साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण और शिव सबको मानने वाले लोग हैं, और हम लोग इसलिए मानने वाले हैं, देखिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश संविधान में जी, और हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष हैं। तो मतलब भाजपा के पीछ पे आप नहीं खेलना चाह रहे हैं? भाजपा क्या लग रहा है, कुछ अपनी पीछ पे खिलाना चाह रही है आपको? देखिए, भाजपा हम लोग समाजवादी हैं, मैंने कहा समाजवादी कभी भाजपा के उसमें खेलने वाले लोग नहीं, कभी नहीं खेल सकते। रामचरितमानस के विवाद पे इसीलिए यू टर्न लिया गया ताकि हम उनके ग्राउंड पे ना जाएं, हम अपने भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहते हैं इसी मुद्दे को लेकर, और काम तो कुछ करेंगे नहीं, काम तो कुछ करेंगे नहीं, ये धार्मिक उस पर, अब उस पर हम धन नहीं जाना चाहते हैं, न जाएंगे भी नहीं। तो उनके बयान से क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? किसके? स्वामी प्रसाद जी का जो बयान आया। नहीं, स्वामी जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में निर्देश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं, जो धार्मिक और इस तरीके के जो हैं मुद्दों में हमें नहीं उलझना है। हम तो कहेंगे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, महिलाओं की हैं, कितनी समस्याएं हैं, तो इसी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है, तो उसमें हमें क्यों उलझना है? जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी अचानक एग्रेसिव हुई, क्या इसको क्या इस चुनाव जनगणना में भारतीय जनता पार्टी क्यों डर कराना चाहिए अचानक? जाति जब जातीय गणना हो जाए उसके अनुसार आरक्षण होना चाहिए, तो क्यों डर? पूर्वांचल में पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ में थे, और उसके माना जाता है कुछ आपकी सफलता में उनकी बड़ी भूमिका थी। अरे छोड़िए, निषाद और राजभर जैसे लोगों से निपटने के लिए आप पूर्वांचल में क्या करेंगे? देखिए, हम सभी छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं, सबको इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, हर वर्ग को इकट्ठा, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और यह है, हम लोग एक बार नहीं, हम लोग तो 14 सरकार बना चुके हैं, सभी को इकट्ठा करके अकेले सरकार बना चुके हैं, और फिर बनाएंगे सरकार। बसपा प्रमुख की जरूरत पड़ेगी इस बार।